हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 11, तो आज है संडे और टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। तो मेरा सुबह का जो भी काम था वो मैंने कर लिया है और अभी मैं, आप देख सकते हैं, आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। तो आज है संडे और संडे को क्या, आज मैं फिश करी बना रही हूँ। तो फिर मैं खाना वाना बना लेती हूँ और देखती हूँ आज संडे को और क्या स्पेशल हो पाता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि जब मैं फिश कढ़ी बना रही हूँ अपने स्टाइल में, यानी कि बिहारी स्टाइल में, तो क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। तो बस मैं आज आ गई हूँ फिश कढ़ी की रेसिपी लेके। तो यहाँ पे मैंने रोहू मछली लिया हुआ है, ये मीठा पानी का मछली होता है फ्रेंड्स। इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी गंदगी कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छे से साफ हो चुका है। तो चलिए मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर जार लिया है, उसमें मैंने डाल दिया ये जीरा और एक चम्मच काली मिर्च। मतलब आपको जितनी ग्रेवी बनानी हो फ्रेंड्स, आप उस हिसाब से अपना मसाला तैयार कर सकते हैं। और यहीं पे मैं डालूँगी लहसुन और फिर मैं डालूँगी यहीं पे सरसों, यानी कि राई। पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे, हमारे यहाँ तो इसे सरसों ही बोला जाता है, राई बोलते हैं। तो मैंने डाल दिया सरसों, क्योंकि इसके बिना तो बिहारी स्टाइल में मछली तो बन ही नहीं सकती है। और फिर मैंने डाल दिया यहाँ पे हरा मिर्च, क्योंकि हम लोग, और इधर हम कढ़ाई को गैस पे चढ़ा देते हैं फ्रेंड्स गर्म होने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिया है और इसका मैं एक बारीक सा पेस्ट बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, इधर मैंने मछली में नमक डाल दिया है। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें हल्दी, और इसके बाद जो मैंने पीस के मसाला रखा हुआ है ग्रेवी के लिए, मैं वो थोड़ा सा ऐड करूंगी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने हल्दी में इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हल्दी और नमक के साथ। अब इसको मैं फ्राई करूंगी। तो यहाँ पे मेरी कढ़ाई गरम है और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगी सरसों का तेल। वैसे भी हम सरसों के तेल में ही ज़्यादातर खाना बनाते हैं, और सरसों के तेल में अगर आप फिश कढ़ी बनाएंगे फ्रेंड्स, तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और अब मैं इसमें एक एक करके फिश को डाल रही हूँ फ्रेंड्स, और इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। और फ्रेंड्स, एक बार हम इसे करछी से चला लेंगे, क्योंकि ना चलाने पे ये चिपकने लगता है नीचे। देख सकते हैं प्लेट हमारी मछली कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है, और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, हम सारे फिश को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो
देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइन लग चुकी है खाने के लिए, लोग लाइन में लग गए हैं। कूपन लाइए, कूपन चाहिए, कूपन लाइए, कॉमेडी मत करो, कूपन दो, कूपन दो, कूपन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमें कूपन मिल चुका है और ये लोग अब मछली की लाइन में लगे हुए हैं, तो देना तो पड़ेगा ही। ये लीजिए और खा के रिव्यू बताइए इसका कैसा बना है। वो कूपन जो किसका किसका है? वो दोनों लोग का है, एक ही प्लेट में प्यार पड़ता है खाने से। और फ्रेंड्स, अब इसे हम पलट लेते हैं। तब आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टी चल रही है, तो बताइए जी कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा है, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। अभी तो ग्रेवी बनेगी तब पता चलेगा ना टेस्ट की कब कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, ये लोग खा रहे हैं, मुझे तो पूछ भी नहीं रहा है कोई। मस्त, इसमें कांटा नहीं रहता तो खाने का मजा ही अलग आता है। बस खाते जाओ, खाते जाओ, मजा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, सारी मछलियाँ फ्राई हो गई हैं और उसके बाद हम इसी तेल में मसाला फ्राई करेंगे ग्रेवी के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डाला है सरसों के दाने, और फ्रेंड्स अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक कटा हुआ, बारीक कटा हुआ प्याज, और इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये टमाटर की प्यूरी, प्यूरी नहीं, आप इसको पेस्ट बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्याज टमाटर बिल्कुल अच्छी तरीके से भून गए हैं, पूरा ऑयल बाहर आने लगा है। तो अब हम यहीं पे डाल देंगे ये मसाले जो हमने पीस के रखे हुए थे, और इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, मसालों को हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप मसाले कितनी अच्छी तरीके से भून गए हैं। तो अब मैं यहीं पे पानी डाल दे रही हूँ। तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए होगी, आप अपने ग्रेवी के हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है और इसे 2 मिनट तक मैं उबलने दूंगी। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम सारे फिश को ग्रेवी में डाल देंगे और इन्हें 4 से 5 मिनट तक ढक के छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मसालेदार फिश करी बनके बिल्कुल तैयार है, बिहारी स्टाइल में वो भी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। Thank you.
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी ना ज़्यादा एकदम गाढ़ी है ना पतली है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे फिश करी। और मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार ज़रूर बना के इसे ट्राई कीजिएगा और उसके बाद हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी।